हे गाइस, दिस इज यश गुप्ता एंड वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में मैं आपके सामने ये ट्रेड को ब्रेक डाउन करूंगा जो कि BTC का एक शॉर्ट ट्रेड था, एंड जो कि लास्ट वीडियोस में मैंने एक्सप्लेन किया था कि क्यों मैं इस ट्रेड को प्लान कर रहा हूं। तो यहां पे मैंने वीडियो में बताया था कि BTC एक ट्रेंड लाइन फॉलो कर रहा है जिसका वो ब्रेक डाउन दे चुका है, बट जब तक हम इस जोन में ट्रेड कर रहे हैं तब तक हम शॉर्ट ट्रेड नहीं लेंगे। अब डेली टाइम फ्रेम पे ब्रेकडाउन आया है एंड मल्टीपल टाइम्स कैंडल्स उस सेम ट्रेंड लाइन को बार बार ब्रेक करने की, रिटेस्ट करने की कोशिश करी इन कैंडल्स ने, बट हमेशा रिटेस्ट फेल हुआ, हमेशा रिजेक्शन मिली है। तो इस ट्रेंड लाइन को हमेशा मार्केट ने रिस्पेक्ट किया है। जब लास्ट टाइम यहाँ पर ट्रेंड लाइन ने रिजेक्शन फेस करी, अगर आप 4 आवरली टाइम फ्रेम पर इसको देखोगे तो लास्ट टाइम जब यहाँ पे रिजेक्शन फेस करी तो इस पॉइंट पे प्राइस ऑलरेडी एक जोन से बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। इस पर्टिकुलर जोन से प्राइस बार बार रेजिस्टेंस ले रहा था। यहाँ पे 4 आवर पे मेजर रिजेक्शन फेस हुई। जब भी मार्केट एक ट्रेंड में मूव करता है, उस ट्रेंड के खत्म होने के बाद, ट्रेंड यहाँ पे क्या था, डाउन ट्रेंड, उस ट्रेंड के खत्म होने के बाद हमेशा एक साइडवेज जोन में एंटर करता है। साइडवेज जोन में क्यों एंटर करता है, क्योंकि उस टाइम पे बायर्स और सेलर्स कंफ्यूज होते हैं कि हम आगे किस डायरेक्शन में मार्केट को लेकर जाएं। सो यहाँ पे जब वो डिसीजन लेते हैं तो या तो वो जोन से ब्रेकआउट देता है प्राइस, या तो जोन से ब्रेकडाउन देता है, और जिस भी डायरेक्शन में मूव देता है हमने उसी डायरेक्शन में ट्रेड लेना है। अगर इस केस में प्राइस यहाँ से ऊपर जाके इस तरफ एक ब्रेकआउट देता तो हम इस तरफ ट्रेड लेते, बट इस केस में इसने एक ब्रेकडाउन दिया एंड दिस इज द पॉइंट वेयर आई एंटर्ड माय ट्रेड एंड यहाँ पर मैंने शॉर्ट करा। अब मैंने टारगेट्स कैसे प्लेस करे, अगर आप यहाँ पे थोड़े से लंबे टाइम फ्रेम पे जाके देखोगे तो बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है एट दिस पॉइंट जहाँ पे करंटली अभी प्राइस मूव कर रहा है। यहाँ पे बहुत अच्छा सपोर्ट लेवल है। मेरा टारगेट इस पॉइंट का था विच इज 28,500, बट मैंने पहले ही यहाँ पे क्यों एग्जिट कर लिया, उसका रीजन ये है कि मार्केट ने एक शार्प फॉल दिया है। जब भी मार्केट शार्प फॉल देता है, शार्प फॉल की एग्जिस्टेंस की सस्टेनेंस थोड़ी सी मुश्किल हो जाती है, क्योंकि मार्केट में इमीडिएट सेलर्स आए हैं। अगर वो धीरे 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 करके देता तो मतलब सेलर सस्टेन कर रहे हैं, होल्ड कर रहे हैं, तो लंबा चलेंगे। इस केस में बहुत शार्प फॉल आया है एंड अब सेलर्स होल्ड करने की कोशिश करते हैं। अब अगर यहाँ से फर्दर होल्ड कर पाते हैं तो फर्दर ब्रेकडाउन आएगा फॉर 28,500, बट फॉर नाउ आई बुक्ड माई प्रॉफिट एट दिस पॉइंट and this is how I entered this trade. Now if you have any questions you can write in the comment section or you can message me on Instagram. Thank you for watching the video guys. Stay tuned for the next videos.